ये है सुरन, ओल, याम या एलिफेंट्स फुट। बहुत ही अजीब सा चीज है, बट इट्स एक्चुअली इवन मोर अजीब। असली में ये इतना बड़ा होता है और एक अजीब सा पत्थर जैसा दिखता है, बट होता है ये बहुत अमेजिंग सा एक वेजिटेबल है। ये जमीन के नीचे उगता है, लेकिन आज हम लोग इससे मछली बनाएंगे, अंडरग्राउंड मछली। सो हाउ आई एम गोइंग टू मेक अ फिश आउट ऑफ दिस, उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको पील करेंगे एंड हल्दी नमक वाले पानी में थोड़ा बॉईल करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इट्स अ वेरी हार्ड वेजिटेबल। पील करने के लिए पुट अ फ्लैट साइड डाउन, होल्ड इट वेरी हार्ड अवे फ्रॉम योर हैंड एंड देन स्टार्ट कटिंग विद अ शार्प नाइफ। आई वॉन्ट ऑल दिस आउटर सर्फेस कि ये पूरा छिल जाए, ताकि अंदर का इसका ब्यूटिफुल सा येलो सर्फेस रहेगा। ये देखिए, ये हम लोग को एक्सपोज करना है चारों तरफ से कट करके, और फिर हम लोग इसको इतने बड़े क्यूब्स में कट करेंगे एंड देन आई टेक यू टू द पार्ट व्हेन वी गो पुट इट फॉर बॉइल। ओके, कट जाने के बाद ये उतना इंटिमिडेटिंग नहीं है, बट वंस यू कट इट, छोटे क्यूब्स में कट कर दीजिए एंड बॉइल करने चढ़ाना है। भरता नहीं बनाना है इसको, बस सॉफ्ट करना है। एज इट्स व्हेन इट्स सॉफ्ट, पानी से निकाल के तुरंत स्टीम उड़ने दीजिए। वी डोंट वॉन्ट इट टू सोक अप द वॉटर। पानी से निकाल के स्टीम उड़ गया, देन वील मैरिनेटेड एंड देन मूव टू फ्राइंग इट। ठीक है, तो याम यानी कि सुरन बॉइल हो रहा है। इन द मीनवाइल हम लोग क्विकली दो चीज बनाएंगे। एक तो पहले मसाला जो याम के ऊपर लगा के मैरिनेट करेंगे, और उसके ऊपर एक क्रस्ट। और क्रस्ट लगाने के बाद आप शैलो फ्राई, अवन बेक, बिग फ्राई, जो भी मन में आए कर सकते हैं। फर्स्ट लेट्स डू द मसाला। क्या क्या मसाला है घर में सारा निकाल लीजिए। धनिया पाउडर, हल्दी, मेरे पास कसूरी मेथी नहीं है, देगी मिर्च नहीं है, स्पाइसी वाला चिली है तो थोड़ा कम संभाल के, डर लगना चाहिए डालने से पहले। एंड जीरा ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में डाला है, एक्सेप्ट हल्दी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हद से ज्यादा हो जाएगा। एंड देन एक इतना सा अजवाइन फॉर बिटरनेस, एंड देन हम इसमें वाटर के बदले थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, विनेगर, लेमन जूस डाल के इसको एक लेप जैसा बनाएंगे या मैरिनेट जैसा बनाएंगे, जिसको हम अंत में सुरंग के ऊपर लगाएंगे। ये लगा के अगर आप थोड़ी देर छोड़ दें बहुत बढ़िया है, अगर लगा के तुरंत यूज करें तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कि इसमें नमक बराबर है, खट्टापन बराबर है, तीखा ज्यादा नहीं हो और सब तरीके से बैलेंस्ड हो। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑयल होना चाहिए, तभी वो मसाला अच्छे से पकड़ेगा। एंड वंस इट्स परफेक्ट देन इसको फिर याम पे लगा दीजिए। मसाला रेडी है। मिलाते टाइम हमेशा डाउट होगा, कभी खट्टा कम लगे तो नींबू या आमचूर डाल लीजिए, अगर मसाला कम लगे थोड़ा गर्म मसाला डाल के देखिए। ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, खुद को पसंद आना चाहिए। एंड ऑफ द डे सब बैलेंस होना चाहिए, खट्टा, मीठा, तीखा, बिटर, स्पाइसी, सॉल्टी एंड बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द क्रस्ट। अगेन बहुत ही ओपन एंडेड है, रवा, पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, राइस फ्लावर, एमरान, जो है सब डाल सकते हैं। हियर आई हैव टेकन पोहा, एमरान एंड रवा, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब भी मिला है। इसे एक अच्छा सा डबल ट्रिपल टाइप का कोटिंग आएगा, जिसमें मेनी लेयर्स ऑफ क्रंच होंगे, एमरान का क्रंच छोटा सा, पोहा का क्रंच बड़ा सा। तो ये हम लोग टेक्सचर प्ले करना चाहते हैं जबान पे, अलग अलग टेक्सचर से बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, हेंस दिस। अब जैसे ये हम ऑलमोस्ट डन है, एक सीटी आ गया, स्विच ऑफ, ठंडा करेंगे, इसमें कोट और फिर थोड़ी देर हम लोग साइड में रख देंगे, फिर सीधा या तो तवे पे या पैन पे या ओवन में फिनिश कर दीजिए। दैट्स इट।